हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बातिए जायका। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जो आपको बनाने में तो मज़ा आएगा ही और खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फटाफट से बनने वाले चाइनीज़ भजिए। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टच कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चाइनीज़ भजिए बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बाउल चॉप्ड पत्ता गोभी, एक हरी मिर्च मैंने काट के ले ली है, एक बड़ा प्याज और 1 से 1.5 स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में पत्ता गोभी ले लेंगे, इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट। अब हम इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे और 4 चम्मच मैदा, इसमें 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च ली है मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, मिक्स करने के बाद ये ऐसा बन गया है। ये भजिए बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और हाथों पे भी थोड़ा सा तेल लगा लिया है कि बैटर हाथ पे चिपके ना और भजिए अच्छे से बने। ये इस तरह से हम भजिए इसमें डालते जाएंगे एकदम गरम तेल में। एक बार में जितने भजिए कढ़ाई में आ सके उतने डाल देने हैं। इस तरह से मीडियम साइज के मैंने भजिए बनाए हैं। ये मैंने इतने भजिए इसमें एक बार में डाल दिए हैं, बाकी के हम बाद में बनाएंगे। इसे अच्छे से फ्लिप करते हुए सभी साइड से अच्छे से पकाना है। बढ़िया से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। देखिए ये कितने बढ़िया से बन गए हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारे भजिए बिल्कुल बनके तैयार है और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसे आप केचप के साथ या शेजवान चटनी के साथ सर्व कीजिए, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्व कीजिए और अच्छा लगेगा। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये, बहुत मज़ेदार लगेंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप ज़रूर ये रिपीट करने वाले हैं रेसिपी, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि